जखनी होगा तखनी ध्यान लेके सुनिए। अगर आपको बहुत धूप लग रही है और आप छाव में जाना चाह रहे हैं, झारखंड मतलब बहुत जिला राज्य से लोग यहाँ आ रहे हैं। पास बना है स्पेशली बहुत बड़े जगह में कि महिला पुलिसकर्मी मतलब लेडीज कांस्टेबल वगैरह भी आपको हर जगह मिल जाएंगी सेफ्टी। पहला दिन और पहला दिन का भीड़ के अंदर नहीं बैठ पाए हैं, उन्हें देखने का मौका भी मिल जाएगा। कुछ देर लोगों से सावधान रहे, टेम्पू के लिए बहुत पैदल चलना पड़ेगा क्योंकि हम पैदल ही। आप देख सकते हैं काफी बढ़िया तरीके से बनाया गया है, शाम तक रुक नहीं सकते क्योंकि काफी दूर है। हम हर चीज की सुविधा है यहाँ पर आपको, और अभी पटबंद है क्योंकि एक बजने जा रहा है और एक बजे। जय श्री राम, जय श्री राम। था मैंने आते समय कि बहुत कुछ निशुल्क है, लेकिन पूरा मतलब खाने के लिए यहाँ पे लाइन लगा हुआ है और पॉइंट तो है, लेकिन कहीं कहीं पे ऐसा प्लस पॉइंट मिलता है, लेकिन अच्छा है। आशीर्वाद ही दे दीजिएगा दिल से। तो था कि बस जो यहाँ आने की जो सुविधा थी एम, तो ये है मेरा फेवरेट वाला झूला जो रात। तो लगभग 1 लाख स्क्वायर फीट में, मतलब लगभग मतलब कंफर्म नहीं कह सकती हूँ, लगभग 1 लाख स्क्वायर फीट में ये पूरा का पूरा एरिया बना है, जहाँ पे आपको मे बी मैं तो अभी अंदर गई नहीं हूँ, तो जाके देखती हूँ क्या क्या है अंदर में और बता। नाश्ते वास्ते की तैयारी, आधा से ज्यादा पट वगैरह सब कुछ लग चुका है। पुरुष शौचालय उधर है, महिला शौचालय आगे है, और दिस साइड रोड के दिस साइड श्री हनुमंत कथा इस साइड होगा। तो धीरे धीरे बताते हैं किस साइड आपको किस चीज की सुविधा मिलेगी। हाँ जी, हेलो नमस्ते, केम चो कसगा, कैसे आप लोग। मैं पाकी कौशिक फिर से आ गई एक न्यू ब्लॉग के साथ आप लोग के सामने। सो लोकेशन तो आपको बताना नहीं पड़ेगा, लोकेशन तो आपको पता है क्योंकि बहुत दिनों से चर्चा में है। बागेश्वर वाले बाबा जी आए हैं और हम लोग दर्शन करने आए, तो हम लोग निकल गए थे सुबह में जल्दी, लेकिन आते आते पता चला कि बागेश्वर वाले जो बाबा जी हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी वो शाम में आने वाले हैं, तो हम थोड़े दुखी हो गए। बट कोई नहीं, हम लोग यहाँ थोड़ा माहौल को देखने के लिए भापने के लिए रुक गए और थोड़ा घूम फिर लिए देखने के लिए। तो ज़्यादा मैं आपको लंबा लंबा वीडियो करके बोर नहीं करूँगी, बस इतना बता दूंगी कि आप अगर यहाँ आए हैं तो एंट्री के साथ सबसे पहले आपको ये टाइप का चंदन मिल जाएगा जिसमें आपको लिखा लगेगा जय श्री राम, और उसके बाद आपको आगे चल के ये पंडाल वगैरह दिख जाएगा, खाने पीने की सुविधा है, अन्नपूर्णा प्रसाद आपको मिल जाएगा। देखो हाँ, तो ये पंडाल जो है, तो ये पंडाल में आपको एक मिल जाएगा जहाँ पे एक मंच बना है, जहाँ पे जो शास्त्री बाबा जी हैं वो आके बताएंगे, सुनाएंगे, कहलाएंगे और कथा सुनाते हुए हम आनंद करेंगे। तो हाँ जी, तो अगर आपकी भी कोई इच्छा है जिसे पूर्ण करनी है तो यहाँ आ जाइए। यहाँ हनुमान जी की सबसे बड़ी मूर्ति लगी है, जहाँ पर आप कलश स्थापना करके अपने नाम की और एक धागा बांधकर अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। हाँ जी, तो अन्नपूर्णा की, हाँ अन्नपूर्णा मतलब खाने के लिए यहाँ पे लाइन लगा हुआ है और लाइन काफी बड़े तादाद में लगा है, एंड रक्षा मतलब सुरक्षा कर्मी लोग भी हैं। देखिए तो अन्नपूर्णा मतलब उनके लिए लाइन लगा हुआ है और देख सकते हैं सब लोग खिचड़ी है साथ में खाने के लिए प्रसाद में, और अगर आप प्रसाद नहीं खाए तो प्रसाद खाने के लिए जरूर आइएगा नवतपुर में। तो ये हनुमंत कथा का ग्राउंड, अगर आप कुछ कहीं खो गए या कुछ पूछताछ करना है तो जस्ट ये ऑरेंज कलर का आप रूम देख रहे होंगे, यहाँ पे पूछताछ करने का केंद्र है, जहाँ पे आप आके अन्नपूर्णा के बारे में या फिर किसी के बारे में अनाउंसमेंट कर सकते हैं या पूछताछ कर सकते हैं। बोलते हैं मेरे सरकार आए हैं, परम पूज्य बागेश्वर धाम सरकार आए हैं, श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी आए हैं, और उनका हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हुए सब लोग। तो हम आ गए हैं बागेश्वर बाबा जी से मिलने, और बागेश्वर बाबा जी आएंगे शाम में 4 बजे, तो उनका वेट किया जाएगा अगर पॉसिबल होगा तो। अगर दर्शन करना हमारे नसीब में है तो दर्शन करके ही जाएंगे, बाकी जय श्री राम। हाँ जी, तो यही है वो मंच जहाँ पे बाबा बागेश्वर जी आके विराजमान होंगे और हम लोग उनका दीदार करेंगे। सो देख सकते हैं यहाँ पे काफी तादाद में भीड़ लग चुकी है, और जैसे पंडाल बनाया गया है, पंडाल देख लीजिए काफी अच्छे से डेकोरेट किया गया और काफी मजबूती से बनाया गया है, अच्छे से
डेकोरेशन किया गया है, मीन्स प्रॉपर कि गर्मी भी ना लगे उसके लिए ऊपर अच्छे से पंडाल की व्यवस्था की गई है, पंखा लगाया गया है, बाकी जगह छोड़ दिया गया है हवा आने के लिए और हर जगह रास्ता दे दिया गया है। देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है, तो इस जिस साइड आपको मिल जाएगा स्टे करने के लिए, बैठने उठने के लिए, आराम करने के लिए, और ये है मंच के जस्ट सामने, यहाँ पर बैठ के आप लोग उनको ध्यान कर सकते हैं, अपना भजन कीर्तन जो करना है वो कर सकते हैं। तो चलिए, सो देख सकते हैं यहाँ रास्ता दिया गया है गलियारा जैसा और दोनों साइड बैठने की सुविधा है। यहाँ पे भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लोग, मतलब लाखों में नहीं करोड़ों में लोग आए, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर आप यहाँ खो जाएंगे तो उसकी भी व्यवस्था है ढूंढने ढाँढने की, और भी बहुत कुछ है। पंडाल आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया तरीके से बनाया गया है धूप और बारिश से बचाव करने के लिए। बाकी कर्मी मतलब लेडीज़ कांस्टेबल वगैरह भी आपको हर जगह मिल जाएंगी सेफ्टी बरतने के लिए, क्योंकि क्या होता है ना, जहाँ भीड़ होती है वहाँ पे दुष्कर्म होता है, कुछ लोग ज़्यादा अपने आप को बन जाते हैं कि उनका अपना बाप का प्रॉपर्टी बन जाता है, कुछ इस टाइप के लोग भी होते हैं क्योंकि मैंने देखा है अभी। तो उन लोगों को सीधा करने के लिए पुलिस कांस्टेबल है, फीमेल्स के लिए फीमेल्स आई है, मेल्स के लिए मेल्स आए हैं, आपको हर जगह मिल जाएंगे जो आपको बताएंगे कि कैसे बैठना है, कहाँ बैठना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ रुकना है, कहाँ नहीं रुकना है। तो आप प्लीज़ इन लोगों की बातें सुने, क्योंकि ये लोग को भी कहा गया है, इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि सब कुछ सेफ रहे, कुछ दुर्घटना ना घटे, सब लोग अच्छे से दर्शन। हाँ जी, तो यहाँ पे आपको हर जगह सीसीटीवी कैमरा मिल जाएगा, एंड जो दूर से हैं मतलब पंडाल के अंदर नहीं बैठ पाए हैं उन्हें देखने का मौका भी मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं बाहर, दिखाते हैं आपको स्क्रीन किस टाइप का, कितना बड़ा बड़ा स्क्रीन बना हुआ है, रखी गई है, बड़ा सा स्क्रीन लगा हुआ है दिखाने के लिए, जो अच्छे से अंदर बैठ के नहीं देख पाएंगे वो स्क्रीन पे देख लेंगे। लगभग यूपी बिहार झारखंड मतलब बहुत ज़िला राज्य से लोग यहाँ आ रहे हैं बाबा जी का दर्शन करने, तो हम भी यहाँ दर्शन करने आए हैं, दर्शन करके ही जाएंगे और आपको बस धीरे धीरे अपडेट देते जाएंगे कि यहाँ क्या क्या है, कैसे कैसे है। और आज फर्स्ट डे है, 13 मई है, तो फर्स्ट डे में बहुत भीड़ है, आपको मैं भीड़ दिखाती हूँ। लगभग इधर देखिए कितना भीड़ है, पूरा ये भरा पड़ा है, मतलब हमें पता है बैठने का जगह नहीं मिल रहा है, इतना भीड़ है यहाँ पे। और आपको यहाँ पे हर तरह के लोग मिलेंगे, तो अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो कुछ लोगों से सावधान रहे, क्योंकि बहुत लोग आपको ठग सकते हैं, चोरी चमारी हो सकती है, क्योंकि बहुत भीड़ है। बाकी आगे बने रहिए हमारे साथ, दिखाते हैं आगे, चलिए। तरेतपाली मठ, तो यही लोकेशन है यहाँ का, नौबतपुर तरेतपाली मठ। हर चीज़ की सुविधा है यहाँ पर, आपको यहाँ आ रहे हैं तो डॉक्टर फैसिलिटी भी मिलेगी, एम्बुलेंस भी मिलेगा, खाने पीने की सुविधा मिलेगी, रहने वहने की सुविधा, सब कुछ की सुविधा यहाँ अवेलेबल है। हाँ जी, तो हम हैं नौबतपुर में और नौबतपुर में एक मंदिर है जहाँ हम आए हैं दर्शन करने विष्णु जी की, मतलब लक्ष्मी नारायण जी की। और अभी पट बंद है क्योंकि 1 बजने जा रहा है और 1 बजे मतलब पट तो बंद ही रहता है, तो हम लोग दर्शन नहीं कर पाएंगे और यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि और पीछे एक्सप्लोर करना है, जाना है पंडाल वगैरह को एक्सप्लोर करना है, और भी देखते हैं क्या क्या की सुविधा दी गई है, कि अगर लोग दूर दूर से यहाँ आ रहे हैं तो उन्हें क्या क्या की सुविधा मिलनी चाहिए और मिल रही है। हाँ जी, तो यहाँ पे बिहार अग्निशमन सेवा की सुविधा भी दी गई है, और आज है पहला दिन, और पहला दिन का भीड़, बाबा रे बाबा, हम लाखों करोड़ों में सब लोग आए जा रहे हैं। और अभी दोपहर में जब इतनी भीड़ है तो शाम में और रात में क्या हाल होने वाला है, तो बाबा कौन बताएंगे, बाबा बागेश्वर जी बताएंगे कितना भीड़ होने वाला है। यहाँ पे कैंप वगैरह लग चुका है चिकित्सा सुविधा के लिए, जिन्हें भी कुछ प्रॉब्लम होगा यहाँ पे आप जाके कंसल्ट कर सकते हैं। बाकी तो भीड़ बड़ा कब बढ़ता है, इतने दूर से लोग आएंगे तो मे बी किसी को कुछ इश्यू हो जाएगी, तो उसके लिए पहले से सुविधा दी गई है। हाँ जी, तो फ्री सुविधा दी जा रही है, पेय जल दिया जा रहा है बॉटल में, लेकिन गर्म है, लेकिन क्या कर सकते हैं, प्यास लगा है, प्यास को बुझाने के लिए तो चाहिए होता है। तो चलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, हमें भी एक बोतल दे दीजिए पानी का, जय श्री राम, जय श्री राम, बट जय श्री राम, बट पानी थोड़ा ठंडा होता तो ज्यादा मजा आता। हाँ जी, तो हर चीज की सुविधा है, पानी की सुविधा है, खाने पीने की सुविधा है, सब चीज की सुविधा है। आप यहाँ आके पानी भरपूर मात्रा में पी सकते हैं, आहार भी ले सकते हैं, और आराम करने की भी सुविधा दी गई है। तो हर जगह पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट
निशुल्क है, ऐसे सुना था मैंने आते समय ही कि बहुत कुछ निशुल्क है, लेकिन देख रही हूँ क्या क्या निशुल्क है, फिर बताऊंगी क्या क्या निशुल्क मिल रहा है, या फिर से बोलने का ही था। रेस्ट करने के लिए जगह विश्राम गृह, और यहाँ पे आप छांव में बैठ के आराम कर सकते हैं। हाँ जी, तो अगर आपको बहुत धूप लग रही है और आप छांव में जाना चाहते हैं तो आप यहाँ आ जाइए, यहाँ पे बैठ के आप छांव का आनंद ले सकते हैं, और अन्यथा आपको घूमना है तो आप धूप में हमारी तरह ऐसे चुन्नी लेके घूम सकते हैं। जहाँ से आपको एंट्री मिलेगा, मेन ऑटो जहाँ से रोका जाएगा, अंदर आइएगा तो सबसे पहले आपको शौचालय वगैरह ही मिलेगा, महिला शौचालय भी है वहाँ, पुरुष शौचालय भी है, पानी की भी सुविधा दी गई है। यहाँ पे ना महिला आवास बना है स्पेशली बहुत बड़े जगह में, कि महिला लोग जाके वहाँ रेस्ट वगैरह कर सकती हैं, विश्राम कर सकती हैं, लेकिन यहाँ पर पुरुष आवास नहीं है, जनरल आवास है। बेचारे पॉइंट है। हाँ, प्लस पॉइंट तो है, लेकिन कहीं कहीं भी ऐसा प्लस पॉइंट मिलता है, लेकिन अच्छा है। तो चलिए हम लोग चलते हैं महिला आवास में, अपुरुष जाइए अपना जनरल आवास में, हम लोग महिला आवास में जा रहे हैं। अरे भाई, ये तो बहुत ही गलत बात है, मतलब ये महिला आवास है, महिला आवास लिखा हुआ भी है, फिर भी पुरुष लोग विश्राम कर रहे हैं, सुतल उतल, बहुत गलत बात है। वो अंकल जो कि काफ़ी एजेड लग रहे हैं, इतने एजेड ना, मतलब झुक के चल रहे हैं, इतने एजेड हैं, वो पूरा इस जगह की, इस एरिया की जो महिला आवास है, इस पूरे एरिया की सफाई कर रहे हैं, मतलब जितना भी बॉटल्स वगैरह फालतू का है, जितने भी कचरे उचरे फेंके हुए, सबको समेट रहे हैं, मतलब सोचिए, उसको कहते हैं सेवा भाव। तो हाँ वही, मतलब आपको देख के मुझे लगा कि मतलब हम लोग ऐसे आके बैठ गए हैं, आप इतना काम कर रहे हैं। 93 साल की उम्र गुजार दी। आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम है राजकरण सिंह। राजकरण सिंह, प्रवचन देखने होगा तो ध्यान लेके सुनिए, उसी में आप रास्ता चुनाव कीजिए, कैसे पढ़ा लिखा जाता है, माता पिता की सेवा किया जाता है, वो सब सुनिए। दे सकते हैं आशीर्वाद, आशीर्वाद बहुत है, आशीर्वाद ही दे दीजिएगा दिल से तो हम लोग बहुत अमीर बन जाएंगे। जीविता अमीर नहीं कोई बनता है, सब परमात्मा में रखिए, आत्मा में परमात्मा को जुड़ा करके रखिएगा ना, तो परमात्मा ही आपको धन दौलत देगा। हाँ जी, हम और आप किसी को नहीं दीजिएगा, बिल्कुल नहीं। हाँ जी, तो बाबा जी के दर्शन करने के लिए बहुत सारे लोग का आगमन हो रहा है और भरते जा रहे हैं भीड़, तो मतलब बहुत ज़्यादा भरते जा रही है, बट कहा गया था कि बस जो यहाँ आने की जो सुविधा थी एम्स से, वो बस हमें नहीं दिखी, पता नहीं सुविधा से बोलने के लिए है या फिर एक ही बस खोला गया है, इसका आइडिया नहीं है। बाकी कहा गया है कि यहाँ पानी निःशुल्क मिलेगा, तो निःशुल्क पानी तो है, लेकिन आप ही बताइए गर्मी में, इतनी गर्मी में सिंपल पानी कौन पीता है, मतलब थोड़ा ठंडक रहता है, शीतल रहता है, तो पीने में अच्छा भी लगता है, बट पानी आपको सिंपल मिलेगा। और वैसे नल वगैरह की व्यवस्था बहुत दूर दूर तक की गई है, चापाकल तो यहाँ पे अवेलेबल हर जगह ही लगा हुआ है, तो बाकी ऑल ओवर शाम में काफ़ी अच्छा लगेगा घूमने में, भ्रमण करने में। फिलहाल अभी तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप है और हम लोग शाम तक रुक नहीं सकते, क्योंकि काफ़ी दूर है, हमें आने में ही 1 घंटा लग गया, एक बस और एक टेम्पू यूज़ करना पड़ा, तो टेम्पू का तो सुविधा जानते हैं, जब तक भरेगा नहीं तब तक वो चलेगा नहीं, तो इसलिए काफ़ी देर हो गई आने में, और अब हम निकलने वाले हैं 3 बजे। सब देखो थोड़ा और एक्सप्लोर कर लेते हैं कि और क्या क्या है, उसके बाद निकलते हैं, क्योंकि स्टैमिना कम होते जा रहा है भाई। जिस साइड आप एंट्री कीजिएगा तो उस साइड आपको मिल जाएगा कथा भ्रमण करने का, मतलब जगह जहाँ मंच मिल जाएगा, जहाँ आप जाके कर सकते हैं, और उसके जस्ट इधर मेला लग रहा है, तो शाम में लोग आएंगे तो मेले में घूमें फिरेंगे एंड थोड़ा खाए पियेंगे, झूला झूलेंगे। तो चलिए मेला भी देख लेते हैं कि क्या क्या लग चुका है अभी। इस साइड मेला लग रहा है, देखिए यहाँ पे झूले वगैरह, वहाँ घोड़ा गाड़ी है, वहाँ नाव वाला झूला है, राउंड राउंड वाला है गाड़ी, बच्चों का ही है सिर्फ। तो ये है मेरा फेवरेट वाला झूला, जो रात में जो चलेगा तो मतलब लाइट बहुत अच्छा दिखने वाला है। हाँ, सेटअप अभी लग ही रहा है झूले का, हर चीज का। देखो भाई, आप देख के पता चल जाएगा कितना कड़ा धूप है, देखो बंदा नीचे सोया हुआ है। हाँ जी, तो हमारा सफर यहाँ का खत्म हो गया, काफी बड़े एरिया में फैला हुआ है ये, और इतना धूप है कि मतलब पूरा एक्सप्लोर नहीं कर पाया और थोड़ा ज्यादा नॉलेज नहीं पाया, एंड अभी तक बहुत स्टॉल वगैरह नहीं लगा है, तो हमारा तो यहाँ का हो गया और हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। तो जहाँ से आप मंच मिलेगा वहाँ से आपको यहाँ टेम्पू के लिए बहुत पैदल चलना पड़ेगा, क्योंकि हम पैदल ही चल रहे हैं और अभी तक ऑटो नहीं मिला है,
तो जो भी अपने मतलब फोर व्हीलर टू व्हीलर से आ रहे हैं उनके लिए सुविधा है, बाकी हमें तो पैदल चलना पड़ रहा है भाई, तो पैदल चलते हैं और घर पहुंचते हैं। बाकी लास्ट में तय कहूंगी, वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ना तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।